हेलो फ्रेंड नमस्कार। देखो आम कंप्यूटर क्वेश्चन डिस्कशन करूँ फर्स्ट क्लास ऑलरेडी सरी जाइए यहाँ आप सेकंड क्लास तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप रही व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। तो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क आप ना कौन रही सठिक आंसर टी रही ऑप्शन नंबर डी आर्पानेट हूँ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपैक्ट प्रिंटर। तो आपंकर कौट है इंपैक्ट प्रिंटर गोटे ऑप्शन रही लेजर प्रिंटर लाइन प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर नन ऑफ द अबव। तो यार सठिक आंसर टी रही ऑप्शन नंबर बी लाइन प्रिंटर हूँ आप गोटे इंपैक्ट प्रिंटर एग्जांपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देन नेक्स्ट देखो प्रिंटर आप दी प्रकार रही गोटे आप इंपैक्ट प्रिंटर रही है आउ गोटे आप नन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर आप एग्जांपल कौन कौन सब रही डेजी प्रिंटर बा डेजी व्हील प्रिंटर आप गोटे रही इंपैक्ट प्रिंटर एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाइन प्रिंटर आउला टेलीटाइप राइटर आप गोटे रही इंपैक्ट प्रिंटर आउ नन इंपैक्ट प्रिंटर जी कहे आप एग्जांपल आसो थर्मल प्रिंटर लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर एगुड़ा सब आप नन इंपैक्ट प्रिंटर एग्जांपल। देन देखो डाटा ट्रांसमिशन आपंकर तीन प्रकार होता है गोटे आप सिंप्लेक्स मोड्रे डाटा ट्रांसमिशन आ गोटे आप हाफ डुप्लेक्स आ गोटे फुल डुप्लेक्स। तो एगुड़ा कौन सब देखो आपंकर जो सिंप्लेक्स मोड्रे जो डाटा ट्रांसमिशन होता है सहीटा आप गोटे डिरेक्शन हिं आप डाटा ट्रांसमिशन होता है सहीटा आप सिंप्लेक्स पूरा सिंपल रे आपन जदि देखिबे गोटे डिरेक्शन रे आपन जदि डाटा ट्रांसमिशन होउछि ताले आपन सेटा सिंप्लेक्स हबो। जदि आपनकर बोथ डिरेक्शन रे डाटा ट्रांसमिशन होउछि किंतु एट ए टाइम रे गोटे डिरेक्शन रे हबो थरे आपनकर गोटे डिरेक्शन रे हला नेक्स्ट आउ थरे आपनकर आउ गोटे डिरेक्शन रे हबो सेमती हेले आपनकर सेटा हबो हाफ डुप्लेक्स आपनकर डाटा ट्रांसमिशन। आ जदि आपनकर एका समय रे ही बोथ डिरेक्शन रे आपनकर डाटा ट्रांसमिशन होउछि ताहले ताकू आपण कहिबे जे फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। जदि आपणकर एट ए टाइम बोथ डिरेक्शन रे आपणकर डाटा ट्रांसमिशन होउछि ताहले ताकू फुल डुप्लेक्स कहिबे। जदि आपणकर एट ए टाइम रे गोटे डिरेक्शन रे ही होउछि तापरे नेक्स्ट आ गोटे टाइम रे आ गोटे डिरेक्शन रे ट्रांसमिशन होउछि ताहले से केस रे ताकू कहिबे हाफ डुप्लेक्स। आ जदि केवल ही गोटे डिरेक्शन ही डाटा ट्रांसमिशन होउछि ताकू सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन कह जाए। तेणु डाटा ट्रांसमिशन हला तीन प्रकार गोटे हला सिंप्लेक्स गोटे हाफ डुप्लेक्स आ गोटे हला फुल डुप्लेक्स। ओके देन नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट देखो चार्ल्स बैबेज विषय में किसी रही चार्ल्स बैबेज को आपड़ जानते फादर ऑफ कंप्यूटर कहुए से फास्ट मेकानिकल कंप्यूटर डिजाइन करते जोटा कि एनालिटिकल इंजन डिजाइन करते जोटा 1837 मसीह से डिजाइन करते तार ना देते एनालिटिक इंजन एनालिटिकल इंजन जोटा है मेकानिकल कंप्यूटर डिजाइन करते चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट से गोटे ऑटोमेटिक मेकानिकल कैलकुलेटर काढ़ी डिजाइन करते ना देते डिफरेंस इंजन जोटा है 1822 मसीह से यार डिजाइन करते। देन नेक्स्ट जीवा व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज। तो यार फर्स्ट जो डिजाइन करते कंप्यूटर तार ना हो एनालिटिकल इंजन ऑप्शन नंबर ए रहा सटिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को जीवा फर्स्ट जेनेरेशन कंप्यूटर यार डेवलप ड्यूरिंग। तो आपंकर प्रथम जो जेनेरेशन कंप्यूटर आता से डेवलप होता 1940-1956 ऑप्शन नंबर ए रहा सटिक आंसर टी। परवर्ती प्रश्न रही कंपोनेंट आपंकर जो जेनरेशन पांचटा जेनरेशन रही पांचटा जेनरेशन रे कौन कौन सब कंपोनेंट बा कौन कौन सब टेक्नोलॉजी यूज कराई फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर जो आसाला से यूज कराई वैक्यूम ट्यूब आ वॉल्व यूज कराई सेकेंड जेनरेशन रे आसाला से आपंकर ट्रांजिस्टर यूज कराई थर्ड जेनरेशन रे आईसी बा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कराई जोटा दी प्रकार यूज कराई गोटे आपंकर एसएसआई आउ गोटे आपंकर एमएसआई एसएसआईटा है आपंकर सिंपल स्केल इंटीग्रेटेड यूज कराई आउ एमएसआईटा आपंकर आसला मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड यूज कराई। देन फोर्थ जेनरेशन आपंकर एलएसआई टेक्नोलॉजी यूज कराला बा आपंकर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी एलएसआईटा आपंकर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आउ वीएलएसआईटा है आपंकर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। देन आप फिफ्थ जेनरेशन रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करा जाए आउ यूएलएसआई यूज करा जाए जोड़ा यूएलएसआईटा है आपंकर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यूज करा जाए किंबा आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। देन ये देखो आप इंपोर्टेंट रही जेनरेशन रे कौ टेक्नोलॉजी कौ कंपोनेंट को यूज कराइला फर्स्ट जेनरेशन रे वैक्यूम ट्यूब सेकंड जेनरेशन रे ट्रांजिस्टर थर्ड जेनरेशन रे आईसी फोर्थ जेनरेशन रे आपंकर माइक्रो प्रोसेसर कहा जाए किंबा ताकु आपरिवे एलएसआई बा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। देन फिफ्थ जेनरेशन रे आपंकर आसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द राम रोम एंड सीपीयू तो आपंकर कोथिरे राम रोम आ सीपीयू रहिते सटीक आंसर जे रहबो मदरबोर्ड रे आपंकर रहिते राम रोम सीपीयू रहिते देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जे द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड तो आपंकर जो प्रिंटेड आउटपुट आपन पाई थांती ताकू कोन कह जाय प्रिंटेड आउटपुट ताकू हार्ड कॉपी बोली कह जाय ऑप्शन नंबर 3 रहबो सटीक आंसर परवर्ती प्रश्न को रहला क्वेश्चन ऑफ दिस आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी तो कोटा को रीड राइट मेमोरी मध्य कहा जाए सटीक आंसर टी रहइबो ऑप्शन नंबर बी राम को कहा जाए रीड राइट मेमोरी बोली कहा जाए देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिया व्हिच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर तो कंप्यूटर जो आउटपुट ता मिले ताकू कोन कहा जाए आउटपुट रिजल्ट को कोन बोली कहा जाए ना ताकू गोटे इन्फॉर्मेशन बोली कहा जाए आमे जोडा इनपुट देता से आमे गोटे डाटा को इनपुट देता इनपुट डाटा डा प्रोसेसिंग हेबो प्रोसेसिंग हेला पर आमे जो इन्फॉर्मेशन पाऊ सेटा आउटपुट आकर आमे इन्फॉर्मेशन को पाई था ऑप्शन नंबर 3 रहबो सटीक आंसर टी परवर्ती प्रश्न रही छि अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी मेमोरी रे जे आपन को रही छि टीबी केबी जीबी एमबी एगुडा को असेंडिंग ऑर्डर जे आपन जदि रखिवे तो सबटु बडो आपन को रहबो टेराबाइट देन आसीबो आपन को जीबी तापर आसीबो एमबी तापर केबी ऑप्शन नंबर 3 रही छि सटीक आंसर टीबी जीबी एमबी केबी ओके देन नेक्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर मॉनिटर को आउ कोन मली कह जाय ना कंप्यूटर मॉनिटर को आपन विजुअल डिस्प्ले यूनिट बा वीडीयू बोली मध्ये कह जाय ऑप्शन नंबर 3 रहबो सटीक आंसर टी परवर्ती प्रश्न को जीवा व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन द डिस्क कंटेंट आर लॉस्ट तो जते बेर आपन कंप्यूटर को शट डाउन करछन आपन को कंटेंट ता लॉस्ट हो जाय ना एटा आपन को मेमोरी ऑप्शन नंबर 3 तो मेमोरी रे जो कंटेंट आपन रखी थांती सेटा आपन को लॉस्ट है जे जतबे शट डाउन कर दियंती देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस तो कोटा कोटे आपन को आउटपुट डिवाइस रो एग्जांपल ऑप्शन रे रहिछ आपन को माउस मॉनिटर प्रिंटर बोथ 2 एंड 3 तो देखंतु माउस आपन को इनपुट डिवाइस मॉनिटर गोटे आउटपुट डिवाइस प्रिंटर मध्ये गोटे आउटपुट डिवाइस ताले आपन को आंसर आसीबो बोथ 2 एंड 3 मॉनिटर और प्रिंटर बोथ आपन करला गोटे आउटपुट डिवाइस रो एग्जांपल देन नेक्स्ट जीवा आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू व्हिच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर इनटू ए कंप्यूटर तो को डिवाइस देकी आपन डाटा को कंप्यूटर रे इनपुट करथांती बा एंटर करथांती एटा हब आपन सटीक आंसर इनपुट डिवाइस ऑप्शन नंबर 3 आपन को सटीक आंसर होची इनपुट डिवाइस द्वारा आपन डाटा को कंप्यूटर रे एंटर करथांती देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ तो आपन को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टा कहार एग्जांपल एटा आपन को इंपैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर थर्मल प्रिंटर ना नॉन ऑफ द अबव तो एटा आपन को गोटे इंपैक्ट प्रिंटर एग्जांपल हला आपन को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स टी ओके ऑप्शन नंबर 1 रही सटीक आंसर टी व्हिच मेमोरी इज आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी तो को मेमोरी टा को आपन को वोलेटाइल मेमोरी बोली कह जाय ऑप्शन रही छी राम रोम फ्लॉपी आ ऑल ऑफ द अबव तो सटीक आंसर टी रहइबो राम को आपन को कह जाय वोलेटाइल मेमोरी ऑप्शन नंबर 1 सटीक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही छी एएलयू स्टैंड फॉर तो एएलयू रो फुल फॉर्म कोन रही छी एएलयू रो फुल फॉर्म रही छी आपन को एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन नंबर 2 रही छी सटीक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही छी व्हाट इज जंपिंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर तो गोटे वेबसाइट रु आ गोटे वेबसाइट को आपन जते जंप करचंती ताको कोन कह जाय जते बे आपन गोटे वेबसाइट रु आ गोटे वेबसाइट को जंप करचंती ताको आपन कहबे सर्फिंग बोली कह जाय जदि आपन गोटे डॉक्यूमेंट रु आ गोटे डॉक्यूमेंट को जाउचंती लिंक करकी ताले से केस रे आपन को रास्ते हाइपरलिंक हेथांता बट एठी आपन जेतु वेबसाइट कथा कहै छी गोटे वेबसाइट रु आ गोटे वेबसाइट को जंप करचंती सेटा आपन को सर्फिंग आसीबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जे व्हिच डिवाइस कनेक्ट योर कंप्यूटर टू इंटरनेट तो को डिवाइस साहाज्य रे आपन कोटे कंप्यूटर को इंटरनेट रे कनेक्शन करा जाय थाय यार सटीक आंसर रहबो ऑप्शन नंबर 2 मॉडेम द्वारा आपन को कनेक्ट करै थाय कंप्यूटर को इंटरनेट सहित नेक्स्ट क्वेश्चन रहि छी यूएसबी स्टैंड फॉर तो यूएसबी रो फुल फॉर्म कोन यूएसबी रो फुल फॉर्म हला आपन को ऑप्शन नंबर 1 रहि छी सटीक आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस हला यूएसबी रो फुल फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन रहि छी MP3 आ वेब फाइल आर एग्जांपल ऑफ तो आपन को MP3 आ वेब फाइल ए दिटा कहार एग्जांपल ना एटा हला आपन को ऑडियो फाइल रो एग्जांपल MP3 आ वेब फाइल देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहि छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इमेज फाइल तो आपन को को जो ए जो आपन को एक्सटेंशन दिया हे छी सेगुडा मध्ये रो कोटा आपन गोटे इमेज फाइल रो एक्सटेंशन कोया हे छी
यार सठिक आंसर टी हम आपर डॉट जेपीजी ऑप्शन नंबर थ्री रहिबो सठिक आंसर जे डॉट जेपीजी गोटे इमेज फाइल रो एक्सटेंशन फास्ट ऑप्शन टी जोटा रही आपको डॉट एक्सएलएस से आपर एक्सएल फाइल रो डॉट डीओसी टा आपर है एमएस वर्ड रो आपर है डॉट डीओसी आउ लास्ट एमपी3 जो रहा ये आपर म्यूजिक फाइल रो देन सठिक आंसर टी रही ऑप्शन नंबर थ्री डॉट जेपीजी है गोटे इमेज फाइल रो एक्सटेंशन देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेस आर द प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट व्वर वन पेज एंड एंड ए न्यू पेज बिगेन तो आप गोटे डॉक्यूमेंट कह गोटे डॉक्यूमेंट रोटे गोटे जगह एंड होतापर नेक्स्ट आउ गोटे पेज आरंभ हो गोटे डॉक्यूमेंट स्टार्ट होरिया कौन कह जाए से प्लेसटा को आप पेज ब्रेक कह जाए ऑप्शन नंबर फोर रही सठिक आंसर टी दे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ए लाइट सेनसीटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्रइंग प्रिंट ड्रॉइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म तो गोटे लाइट सेंसिटिव डिवाइस को आई जो थी कि आपर कौन ड्रॉइंग को किंवा कौन प्रिंटेड टेक्स्ट को किंवा कौन इमेज को आपड़ा डिजिटल फॉर्म रे कन्वर्ट कर पारिथांती तो से डिवाइस रो ना कौन रही ना से डिवाइस टा हम आपर स्कैनर गोटे स्कैनर साहय करती कौन ड्रॉइंग बा प्रिंटेड टेक्स्ट को किंवा इमेज को आपड़ा गोटे डिजिटल फॉर्म रे ट्रांसपोर्ट कर पारिथांती सेटा आप ऑप्शन नंबर टू रही सठिक आंसर स्कैनर नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश इज यूज टू इनसर्ट हेडर एंड फुटर तो आपर हेडर आउ फुटर इनसर्ट कौ थ्रू करते ना से इनसर्ट मेनू बा इनसर्ट टैब रु आप इनसर्ट करते हेडर आउ फुटर को देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच हार्डवेयर कंपोनेंट कैन प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी तो कौ हार्डवेयर टा आप प्रोड्यूस कर गोटे हार्ड कॉपी प्रोड्यूस कर सठिक आंसर टी रही आपर प्रिंटर प्रिंटर आपर प्रोड्यूस कर गोटे हार्ड कॉपी ऑप्शन नंबर वन सठिक आंसर टी तो फ्रेंड्स आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कशन रही है सो आपको कमी लगे वीडियो निश्चित भाव में कमेंट जनइबे आपको वीडियो जब पसंद आस निश्चित लाइक करके भूलें शेयर करके भूलु ना सहित चैनल को आप सब्सक्राइब करना देन चैनल को सब्सक्राइब करनी सो थैंक यू।